क्यों भेजा मुझे साइकेट्रिस्ट के पास? क्यों भेजा? हाँ, क्यों भेजे थे मुझे? मतलब वही मैं पूछ रही, क्यों? अरे मैंने भेजे दिखा तो तुम्हें घबराहटी एंजाइटी हो रही है, तो क्या दिक्कत है तुमको? उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे पागल साबित करने के लिए भेजे हैं? खत्म बात। अरे तो उसने लिखा क्या? उसने नॉर्मल लिखा तुमको? साबित करना होगा तो मैं लिखवा ना लेता उससे। एक बात समझ, क्या कहने पे इस तरह की हरकतें करते हो? मेरी बात एक बात समझ लीजिए, मैं ईश्वर के बारे में। ये बताओ उसने लिखा क्या? तुम दूसरों का, दूसरों, तुमको दूसरों का ज्यादा विश्वास है, मेरा नहीं है। सुनो भागवत पांडे, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैं जितना तुम्हें प्यार करती हूँ ना, उतना समझ लेना कि फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने भगवान के बाद अगर किसी की पूजा है ना तो वो आपको मैंने पूजा है, ठीक है? और अगर मेरे साथ दिमाग का गेम खेलोगे। अच्छा, तो इसी तरह बात करोगे तुम? मैं ना, मैं क्या खेल लिया मैंने? मैं किस तरह बात करूंगी ना, समझ लेना कि जब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए खत्म कर सकती हूँ ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी ले भी सकती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी ले भी सकती हूँ, इतना याद रखना। अगर तुम बातें कर रहे हो तुम, गजब हो गया। नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे पागल साबित करके, तुमको कौन क्यों भेजे मुझे? मुझे वहां क्यों भेजे? मैं तुम्हारे कहने से गई थी ना। अरे नहीं, मुझे बताओ, वो लिख दिया क्या पागल तुमको? नहीं लिखा नहीं, मर गया क्या? क्या मेरे को नहीं मालूम। तू बात मेरे से मत करना। मैं किसके कहने पर गई? मेरे से फालतू बात मत करना। मैं किसी, अरे तू कहने पे गए तो उसने लिख दिया, मुझको भी बता दिया कि नॉर्मल है वो, खत्म हो गई बात। है? मुझे पागल, पागल, पागल करके बोला हूँ क्या मैं? मुझे फैसला करवाओगे कि नहीं करवाओगे आप? फैसला करवाओ, मेरा फैसला करोगे कि नहीं करोगे कि क्या करने वाले हो अभी आप? अरे कर, अरे अब नॉर्मल हो तुम, हो गई बात है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे हित में ना भेजा था मैंने? मेरे हित में नहीं भेजो। नहीं होते तो तुम्हारा इलाज कराता। मेरे हित में नहीं भेजो मुझे। अगर सेक्रेटरी के पास भेजो तो मेरे हित में नहीं भेजो मुझे, किसी फिजिशियन के पास, किसी एमडी के पास। अच्छा, नहीं भेजे हैं? क्या कर रहे हो सोनू आप? कर क्या रहे हो? क्या बोल दिया? नहीं सोनू आप क्या कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं? मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं? दवाई दिया क्या वो? फिर वही बात, अब सेक्रेटरी के पास भेज के, मतलब कैसी बात कर रहे हो? कौन भड़का रहा? अरे तुमको कौन भड़का रहा है भाई? उसने लिखा क्या तुम्हें? कोई दवाई दी क्या है? उसने मुझे फोन लगा के बोला कि वो नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं। सुनो आप क्या कर रहे हैं यार? क्या कर रहे हैं? किसके कहने से आप ये सब कर रहे हैं? अरे मैं अरे मैं बेटा तुम्हारा हित चाहता हूँ। अरे यार चाहता हूँ, मुझे लगा कि अगर कोई दिक्कत होगी तो देखो, ऐसे बात नहीं करते, हम मिल के बात करेंगे। अरे सुनो आप कर क्या रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? पूरे घर की बर्बादी लिख रहे हैं। अरे तुम्हारे खेत में फिर वही बात, तुम फालतू बात नहीं, मिल के बात करते हैं। अरे नहीं, मैं मिलूंगी आपसे, मैं आपसे नहीं मिलने वाली है अब। आप मेरा उसे, आप उसे मेरा गला दबाए, गर्दन दबाए, मुझे मारने की कोशिश की, मैं नहीं मिलूंगी अब आपसे। अरे तुम पागल हो? मैं नहीं मिलूंगी अब। तुम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो यार? आपको इतना भगवान की तरफ पूजा, आप इतना इतना गंदा दिमाग चल रहा है आपका, इतना गंदा गेम खेल रहे हैं आप मेरे साथ। हेलो, क्या कर रहे हो? जिंदा हूँ, बोली। ओके तो ठीक, जिंदा हो तो रेडी हो जाओ। रेडी हो जाओ? ये टाइम है रेडी कराने का मुझे? नहीं, तो मैं क्या करूँ, 10 बजे ऐसी तैसी कराऊँ अपनी? आपको मैं कल से, कल का छोड़ दीजिए, आज सुबह से मैं कितने कॉल्स की, एक बार भी आप बता क्या कारण है? जब सबके साथ में क्या करूं मैं, सबके सामने क्या बात करूं मैं? फालतू बात मत करना, अभी आया हूं मैं, घर भी नहीं पहुंचा, ठीक है? सीधे थाने आया हूं, दिमाग मत चाटना मेरा। थाने में हूं अभी मैं, कदर ही नहीं है। अगर मैं आपके साथ फिजिकल हो जाऊं तब? भैया मेरे, जब मैं होऊंगा फिजिकल तब ना तुम होगी, मेरी मर्जी के बिना कैसे हो जाओगी तुम? हेलो, हाँ हाँ सुन रही हूँ। हाँ तो फिर क्या? तो फिर कुछ नहीं, मान जाइए ना, क्यों परेशान?
क्या मान रहे, तो पागल हो तुम, मेरे पाप करवा रहे हो मेरे से, बच्चे हैं बीवी है, मैं कहाँ से कर लूँ तुमसे शादी, पागल हो, क्यों करूँ मैं, कौन हो तुम मेरी, मैं क्यों हूँ तुमसे फिजिकल, मुझे नहीं होना फिजिकल विजिकल कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ, तुम पागल हो, मुझे नहीं लगता, तुमको लगता है तुम लड़की फिजिकल के लिए कोई भी मर जाएगा क्या है, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितनी लड़कियां पीछे पड़ी हैं, समझे, हाँ अच्छी तरह से जान लो तुम, क्या हो रहा साला, तो कैसे मानेंगे फिर? मैं मर जाऊंगा पर मैं नहीं मानूंगा, इतना जान लो तुम, मैं मर जाऊंगी तो मान जाएंगे ना? तुम्हारे मरने न मरने से क्या है, तुम्हारे मरने न मरने से क्या है, तुम मर जाओगी तो मैं क्या करूं, तुम्हारी मृत्यु है तो तुम अब मर जाओगे, मैं तो नहीं कहता कि मर जाओ, इसीलिए तो बात कर रहा हूँ तुमसे, बेकी बेकी बातें करती हो तो मैं बात कर रहा हूँ कि मरो ना, आप मुझे डीपी से नील लगा रहे कि आपने रह रहे कि ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, मैं क्यों बात करूँ तुमसे, क्यों बात करूँ, मुझे नहीं करनी है, मेरे सर दर्द होता है तुमसे बेसर पर की बातें करके, क्यों करूँ शादी, मुझे बताओ ना, मुझे नई बात करनी तुमसे, खत्म कर रहा हूँ, कृपा कर रहा हूँ तुम पे, बीमार हो तुम इसलिए, नहीं मुझे नहीं पता फिर, जो खुला पशु होना चाहिए, क्या अब मुझे नहीं मालूम, जो बोला है मैंने वो होना चाहिए, क्यों करूँ, आधार बताओ ना मुझे, मेरे साइड पे हाँ है इसलिए, क्या आधार काफी है, क्या आधार, मेरे साइड पे हाँ है इसलिए वही आधार काफी है, तुम्हारे साइड से हाँ है ये कोई आधार नहीं होता, समझे, ये तुम मुझको मत बताओ, तुम्हारी साइड से हाँ है तो आधार हो गया, तुमको प्यार है तो तुमको भी सलमान खान से प्यार हो जाएगा तो शादी कर लोगे जाके उससे, उस गधे से मुझे कोई जरूरत नहीं करती, तो अपना माँ ठीक है भैया, नहीं नहीं एक बार मिलेंगे मुझे बख्श दो, मुझे माँ कसम मेरी तबीयत खराब हो रही है, अपनी कसम खराब हो रही है, मेरे साथ ये सब मत करो, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ये सब मत करो, मेरे साथ ये सब मत करो प्लीज, जिंदा रहेंगे मेरे मरने पे, जिंदा रह जाएंगे, तुम्हारे मरने पे जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा मुझे नहीं पता, पर मैं इस तरह में मर जाऊंगा, और ये प्यार नहीं है, अगर तुम मेरी मौत चाहते हो तो फिर ये प्यार नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, मुझे जिद पे उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं बार बार, प्यार से समझाते तो क्यों नहीं समझते, तो प्यार से समझ तो रहा हूँ, ये नहीं हो सकता, तुम शादी करो ना, स्टेटस बनाओ अपना, अपने छोटे भाई से शादी करा दीजिए, छोटे भाई से क्यों करा दूँ मैं शादी, क्यों 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 करा दूँ, छोटे क्या प्रॉब्लम है, अरे छोटे भाई का मैं मालिक हूँ क्या, छोटा भाई अपना लव मैरिज कर रहा है, वो उसकी फिक्स है 2 साल से, मैनेज कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहा है, इतना झूठ, अरे तुमको नहीं पता है, तुमको नहीं खबर है तो मैं क्या करूँ उसमें, 2 साल से फिक्स है उसकी शादी, घर बन रहा है हमारा, जैसे ही घर कंप्लीट होगा उसकी शादी हो जाएगी, वो लव मैनेज कर सकता था, हम कर चुके, हम कर चुके हैं, हमारी हो गई शादी, रम मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया हमारा, ये लव बार बार नहीं होता कि चार ठो शादी करो छठो, हमारे खानदान में हिंदू धर्म में नहीं चलता ये, तो क्या मैं मोमेडन हूँ क्या, मेरे में चलता है, मैं क्या बोलूँ उसमें, पूरा मामला है पूरी तरह से निराधार है, और ये सारे आरोप साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं, जिनका बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा, और ये पूरा जाँच के अधीन है, और एक बहुत बड़ी साजिश है, और एक बहुत बड़ा रैकेट भी है इसके पीछे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो साक्ष्य मैंने जुटाए हैं उस साक्ष्य जुटा करके दे दिए हैं, और मेरे नाम से कूटरचित दस्तावेजों को बनवाया गया, और बहुत बड़ी एक साजिश अगर हम कहें तो इसमें है, और जिस तथाकथित महिला की बात आप कर रहे हैं, और उसके बारे में जब ये सारी चीज़ें पता चली कि इसका पुराना बैकग्राउंड क्या है, जो कि कुछ मीडियाकर्मी भाइयों के पास पहुँच भी चुका है, और मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा, पर ये बहुत ही बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं को प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करने का इस पर जो है
पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको बदनाम कर रही है? यहाँ बदनाम करके भयादोहन का है, पूरा एक्सटॉर्शन का मसला है कि आपकी छवि हम खराब कर देंगे, नहीं तो आप हमको जो है तो 50 लाख रुपए दीजिए या और भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। और पूरी तरह से मुझे भरोसा है कि सारी जांच प्रक्रिया में सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी होगा। पैसे की मांग की गई है आपसे? बिल्कुल, उसकी शिकायत बाकायदा कर दी गई है और भयादोहन का मामला है, एक्सटॉर्शन का मामला है। इसमें अभी मैं इस पूरे प्रकरण का अध्ययन कर रहा हूँ और इस तरह की बातें सामने आई है कि पूर्व में भी कुछ लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराया है और उसकी जानकारी अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं और पूरे प्रकरण को अध्ययन कर रहा हूँ और जो तथ्य होंगे उसके अनुसार जिस पर कार्रवाई बनेगी, चाहे दोनों साइड से, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट की बेंच से भी इस संबंध में आपको निर्देश प्राप्त हुए हैं, क्या निर्देश है? सूबेदार इसमें जो ट्रैफिक थाना प्रभारी है, उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी। हाईकोर्ट ने उसमें आदेश किया है कि सूबेदार की फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच हमारे द्वारा की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। तत्कालिक रूप से जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें पुलिस का नाम खराब हुआ है, उसमें क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? वो ऑडियो भी हमें प्राप्त हुए हैं, उसकी भी जांच कराने को मैंने आदेशित किया है और तथ्यों के आधार पे ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी सीधी के खिलाफ एक महिला ने एक आवेदन दिया था, ये मामला काफी पुराना है और इसमें हमारे द्वारा जो शिकायत की थी महिला ने, उसमें SDOP कुसुमी रोशनी ठाकुर द्वारा जांच की जा रही है और हालांकि महिला अब तक जांच में कथन अपने नहीं दिए है महिला ने, लेकिन हमारे द्वारा लगातार उसको नोटिस प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही महिला एविडेंस प्रोवाइड कराएगी और अपनी कथन देने जांच में आएगी, उसमें जो भी बनता है, जो भी कथन बनता है, वो तथ्यों के आधार पर उसको डिसीजन लेके कथन बनता है।